रहीम उम्मीद करती हूँ आप सब हैर हैियत से होंगे तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है फैतोचीनो अल्फेडो पास्ता जो कि बच्चों और बड़ों सबकी मनपसंद डिश है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है तो चलते हैं फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ यहाँ मैंने तकरीबन फाइव पीसेस लिए हैं चिकन ब्रेस्ट के और इनको इस शेप में कट कर, कर लिया है इनकी मैं सबसे पहले डंडे से कुटाई कर लूँगी ताकि ये नरम हो जाए सॉफ्ट हो जाए पतले हो जाए इस तरीके से ये इजीली कुक हो जाते हैं हम हर एक पीस को इसी तरह कुटाई कर लेंगे और इसके बाद इनका टिश्यू पेपर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे अब मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ सॉल्ट और अब स्प्रिंकल करूँगी ब्लैक पेपर और इनको अच्छे से रब कर दूँगी यहाँ मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही काले मिर्च पाउडर लिया था आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे और इनको अच्छे से रब कर देंगे यहाँ मैं अब ऐड कर रही हूँ टू टेबल स्पून सिरका इन्हें भी मैं अच्छे से रब कर दूँगी और यही प्रोसेस हम इसकी दूसरी साइड्स पर करेंगे अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इन पे लगा सकते हैं ये हमारे फिले मैरिनेट हो चुके हुए हैं अब हम इन्हें कुक करेंगे एक पैन में मैंने तकरीबन वन एंड हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड किया था और उसके बाद हम अपने फिले रख देंगे इनको हमने पतला कर लिया हुआ था डंडे से बस ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे यहाँ पे अब इनकी दोनों साइड्स पे हम इनको कुक कर लेंगे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है तो ये जी हमारे फिलहे रेडी हो चुके हुए हैं अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और ये देखें फिलहि रेडी हो चुके हुए अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे अब हमने एक पैन लिया है उसमें तकरीबन वन एंड हाफ़ लीटर मैंने पाउडर ऐड किया था और इसमें मैं अब ऐड करूँगी सॉल्ट वन टेबल स्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है और इसको वाटर को हम बॉईल होने देंगे देखिए जी वाटर हमारा बॉयल हो चुका हुआ है अब हम मैंने इस कंपनी का पास्ता लिया था अब मैं एक एक करके इसके बॉल्स में ऐड करती जाऊंगी और ये तकरीबन पाँच से दस मिनट में ये रेडी हो जाएंगे कुक हो जाएंगे पाँच से दस मिनट हो चुके हुए हैं और ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका हुआ है अब हम जो इसका पानी है स्टेन कर लेंगे गर्म पानी को हम निकाल देंगे और इसके ऊपर हम ठंडे पानी से हम इसे निथाड़ लेंगे ये देखें मैंने टैप वाटर से इसको नथाड़ लिया है और इसमें मैं एक टेबल स्पून ऑयल ऐड करके मिक्स कर दूंगी ताकि ये आप इसमें चिपके नहीं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमने तकरीबन टू टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके साथ ही राउंड अबाउट वन टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है इसे मेल्ट कर लेंगे बटर को हम यहाँ मैंने एक तकरीबन नॉर्मल साइज़ की प्याज ली है दरमिया साइज़ की इसको बारीक चौप कर लिया है और इसे हम ऐड कर देंगे और लाइट सा सोते करेंगे हम इसे प्याज को बस ये प्याज हमारी लाइट से सौते हो चुकी हुई है अब हम इसमें ऐड करें हैं वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसे भी ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है बस लाइट सॉफ्ट फ्राई करेंगे और अब हम ऐड कर रहे हैं वन मैंने रेड चिली ली थी इसे इस शेप में कट कर लिया है और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक पैकेट मैंने क्रीम का ऐड किया है ये मैंने हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पैकेट लिया है आप दो पैकेट यूज़ कर सकते हैं क्रीम के जिनको कोलेस्ट्रोल या ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो वन पैकेट यूज़ कर सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहें तो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक कप ये हमने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था क्रीम को अब मैं इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और यहाँ हम हरा धनिया कर रहे हैं और इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ मैंने ऐड की है टू कप्स मटन यखनी इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल होने तक पकाएंगे यह हमारी जो सॉस है वो बॉईल हो चुकी हुई है अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है यखनी की भी इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है तो हम पास्ता ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बस ये बहुत ही अब क्विक सी रेसिपी थी पक जाने वाली अगर आप चाहते हैं तो कोई बजीज़ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये फैतोचीनी अल्फेडो पास्ता हमारा रेडी हो चुका हुआ है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसी तरीके से कुक करिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे और यहाँ मैंने रेड चिली स्प्रिंकल की है और ये जो पे, पीसीस थे हमारे चिकन के इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है अगर आप चाहें तो इनकी छोटी छोटी बोटी ऐड करके मिक्स कर सकते हैं पास्ते में इसी तरीके से हम अपने पीसेस रख लेंगे और स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया तो ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह